कसरावत थाना क्षेत्र के ग्राम बेगंदी के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक सुरक्षित बच गया जबकि 6 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। मिली जानकारी अनुसार मलतार जेतपुर से करीब 12 किलोमीटर पिकअप वाहन से सवार होकर बेगंदी गांव में खेतों में मजदूरी के लिए गए थे। शाम के समय पिकअप में सवार होकर लौट रहे थे। घायलों के मुताबिक वाहन चालक तेज रफ्तार से चला रहा था, इसी दौरान अनियंत्रित होकर बेगंदी से कुछ ही दूरी पर वाहन पलट गया। डॉक्टर गौरव पाटीदार ने बताया कि घायल बच्चों की हालत गंभीर है, प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कहाँ रहता था, क्या नाम बेटा? मलतार है मेरा। कहाँ रहते? मलतार रहता। कहाँ से आ रहे थे? हम दाड़की करने गए। कहाँ पर? यहाँ पे बेगंदी। कहाँ पलटी गई बेटा? वहीं पे थोड़ी देर आगे जाके गांव के पास है। हाँ, गांव के इधर ही रहने वाले मलतार के। हाँ, बेगंदी काम करने जा रहे थे। हाँ। क्या मजदूरी करते? ये खेत में। हाँ, मैं नहीं जा रहा था, जब भी मुझे लेगा। कहाँ पलटी गए के? कहाँ से आ रहे थे आप? या बेगंदी चाय की तरफ पलटी गए। कहाँ से आ रहे थे? हम तो जतपुर से। जतपुर से किधर है ये बेगंदी से जरा आगे? हमने मलतार से। क्या काम के लिए जा रहे थे? कहाँ? खेत में। पलटी कहाँ पर गई है? बस खेत से जरा दूर गई ना पलटी। कितनी सवारी बैठी थी? 12। कितने लोग घायल हुए? 6। क्या नाम है तुम्हारा? छगन। कहाँ रहते हो? जतपुर। इसमें बच्चों की हालत कैसी है? बच्चों की हालत अभी गंभीर है और सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार देके और भर्ती कर दिया गया है। रेफर कर दिया? नहीं, यहीं पे भर्ती किया है। वार्ड में भर्ती कर दिया, ट्रॉमा वार्ड में, और यहीं पे प्राथमिक उपचार देके और भर्ती कर दिया। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर गौरव पाटिल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।